एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2020-21। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2020 का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक यहां पर आज की किरण और नई उम्मीद है वो यहां पर जगी है। दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले एक बड़ा नोटिस है जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पब्लिश्ड किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी आपकी वैकेंसीज खाली पड़ी है, कितनी पोस्टें हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली पड़ी, इसको लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ा यहां पर जो जानकारी है वो यहां पर यूट्यूब पर चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 11,000 के लगभग न्यू वैकेंसी है वो यहां पर बढ़ाई जाएगी। क्या ऐसा होगा? क्योंकि वैकेंसी तो कन्फर्म है, बहुत ज्यादा खाली पड़ी है और ऐसा सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बताया गया है। लेकिन उस नोटिस में क्या बताया गया है, क्या वैकेंसी 2018 कांस्टेबल में बढ़ेगी या फिर 2020-21 की जो नई भर्ती आएगी उसमें यह वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी? तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ओनली फॉर 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके 33% है तो भी आप यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल में भर्ती हो सकते हो, जिसमें आपके सीआईएसएफ के साथ में बीएसएफ, सीआरपीएफ और ITBP, SSB, NIA, SSF इन सभी वैकेंसीज को यहां पर रखा जाता है। अब दोस्तों हम नोटिस पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले वो नोटिस देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, नोटिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से ये नोटिस पब्लिश हुआ है, जिसमें किसके रिगार्डिंग ये नोटिस है, तो यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन कैप्स NIA, SSF एंड राइफलमैन जीडी, असम राइफल एग्जामिनेशन 2020 और 21 की भर्ती को लेकर यह नोटिस पब्लिश्ड हुआ है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, ऑल ऑफ योवर शुड नोट दैट द डिटेल ऑफ अबाउट एप्रोक्स 75,000 सीट हैव बीन रिसीव्ड बाय द नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी की तरफ से 75,000 वैकेंसीज है, वो वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है, चेक द डिटेल ऑफ सीट वंस अगेन, एक बार वैकेंसी को और देखने के लिए जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके लिए बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि आप एक बार और डिटेल दीजिएगा आपकी और कितनी वैकेंसीज यहाँ पर खाली पड़ी है। लेकिन 75,000 वैकेंसी इन्होंने खाली बताई, साथ ही नई वैकेंसी को लेकर भी यहाँ पर एक पॉइंट नंबर दो में बड़ी बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर दो की बात करें तो यहाँ पर इट हैज बीन डिसाइडेड टू इश्यू न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट बाय द मार्च 2021, प्लीज प्रोवाइड द सीट डेटा एज सून एज पॉसिबल। मार्च 2021 में आपकी भर्ती शुरू होगी न्यू एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जल्द से जल्द हमें सीटें बताई जाए कि कितनी वैकेंसी अलग अलग फोर्स वाइज खाली पड़ी है, ताकि नई वैकेंसी निकाली जाए। क्योंकि दोस्तों 2018 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसके बाद में अभी 2020 चल रहा है, लेकिन 2018 की भर्ती ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आपकी न्यू वैकेंसी नहीं आ पाई। लेकिन अब एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की वैकेंसी है वो अंतिम चरण में है, मतलब यहाँ पर उनका सभी का मेडिकल हो चुका है, री मेडिकल वाले कैंडिडेटों का भी री मेडिकल शुरू हो चुका है और जल्दी दोस्तों दिसंबर तक इन सबकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। ऐसे में दोस्तों आपकी वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली पड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेज में। तो इन सब को देखते हुए ये नोटिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेज को कि जल्द से जल्द आप हमें वैकेंसीज बताएं कि कितनी वैकेंसीज आपके खाली पड़ी है।
तो दोस्तों आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2020-21 का इंतजार कर रहे हो तो जल्द ही आपको एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।